बाबा। हाँ जी। 33 करोड़ देवात्माएं हैं, उनमें से 4.5 लाख आत्माओं की पूजा होती है। नहीं, 4.5 लाख आत्माओं की पूजा होती है। पूजा तो पवित्रता की होती है। हाँ। और 4.5 लाख तो संपूर्ण पवित्र होते हैं। हाँ। 16 कला संपूर्ण और फिर प्लस में संपूर्ण पवित्र होते हैं उनके बच्चे जो सतयुग में पहला जन्म लेते हैं। तो 9 लाख आत्माएं हैं जो पक्के देवताएं हैं। सती से लेकर कलयुग तक अंत तक उतरते रहते हैं ना देवत्माएं, तो सतयुग त्रेता में कैसे पूजा होती है? सतयुग त्रेता में पूजा नहीं होती है, वहाँ तो पावन है। द्वापर युग से वो कैसे पूजा? द्वापर युग से पतित बनते हैं। जो पतित बनते हैं वो अपने ही चित्रों की मूर्तियां बनाए पूजा करते हैं। मूर्तियां संगम युग के पुरुषार्थ की यादगार हैं, सतयुग त्रेता की यादगार नहीं है। सतयुग त्रेता में जो देवताएं जन्म लेते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। कहाँ के पुरुषार्थ की पूजा होती है, कहाँ के कर्तव्य की पूजा होती है? संगम युग के कर्तव्य की पूजा होती है। और बाबा ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचते ऊंच वंश में निकलेंगे, बोले बाबा। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ माना क्या है? ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचते ऊंच वंश में निकलेंगे। ऊंचते ऊंच वंश में? वंश में। अभी ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ माना क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा की भलाई के लिए जो ऊंचे ते ऊंचा कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा। तो आत्मा की ऊंचाई के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ सूर्यवंश वाले पुरुषार्थ करते हैं और दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ तो वो भी करते हैं लेकिन बाप बदल देते हैं। तो जिस ऊंचाई का बाप होगा उतनी ऊंचाई का वर्षा मिलेगा। वर्षा यहां क्या है? जो पढ़ाई है उसी के अनुसार वर्षा है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है राजयोग की और वर्षा भी राजाई का है। ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी आत्माएं ही राजाई पाती हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले राजाई नहीं पाते हैं, ऐसा है क्या? सभी धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वो श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं जब भगवान बाप आते हैं तो संगम युग में इकट्ठी होती हैं बाप के सामने। पढ़ाई भी पढ़ती है परंतु कोई पूरी पढ़ाई पढ़ती है और कोई अधूरी पढ़ाई पढ़ती है। जैसे कोई LLB पास करते हैं तो जज बन जाते हैं, सरकारी वकील बन जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं LLB पूरी पास नहीं कर पाई या फाइनल परीक्षा नहीं दे पाई फाइनल वर्ष में, तो वो इनकम टैक्स के वकील बन जाते हैं।
ऐसे ही है। जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं 100% वो विश्व के मालिक बन जाते हैं अथवा उसके सहयोगी बन जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। या कोई कोई जन्मों में सम्राट बन जाते हैं अर्थात बड़े से बड़े राजा बन जाते हैं। जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ी प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी ही राजा ही प्राप्त करते हैं। सभी धर्मों में से चुनी हुई आत्माएं हैं। जब भगवान बाप आते हैं तो पढ़ते तो हैं परंतु बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाप पर अनिश्चय आ जाता है सुप्रीम सोल बाप पर। तो जो ऊंचे से ऊंची प्राप्ति है सतयुग की वो नहीं प्राप्त कर पाते। कोई फिर त्रेता में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं राजा बनते हैं। सतयुग में राजा ही प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी संख्या कितनी है जो सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक राजा ही प्राप्त करते हैं। ईश्वरीय राजा ही जो ईश्वर ने राजधानी स्थापन की थी उस राजधानी में आते हैं। उनकी संख्या है 108। पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले 108 राजाएं हैं और बाकी 16,000 उनके वंश में जन्म लेने वाले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं जिनकी संख्या त्रेता के अंत में पूरी होती है। ये 16,108 ईश्वरीय प्राप्ति करते हैं परंतु नंबरवार हैं। जो नंबरवार हैं वो द्वापर युग में भी जाकर के वैसी ही स्थिति में प्राप्त ऐसी ही स्थिति को प्राप्त होते हैं अर्थात सतयुग त्रेता की प्राप्ति के आधार पर 21 जन्म की प्राप्ति के आधार पर 63 जन्म की भी प्राप्ति का हिसाब किताब बन जाता है। हाँ 108 में कोई अव्वल नंबर ग्रुप के हैं 12 है, कोई द्वयम नंबर ग्रुप के हैं कितने ग्रुप हैं 9 ग्रुप हैं। और राजा ही प्राप्त करने वाले धर्म कितने हैं है? 9 धर्म हैं। तो हिसाब बन जाता है कौन किस ग्रुप का है। पढ़ाई के आधार पर भी पता चलता है उनकी सेवा के आधार पर भी रिजल्ट निकलता है उनकी धारणाओं के आधार पर भी रिजल्ट निकलता है और याद की रफ्तार भी वैसी ही तीखी होती है। और बाबा सदाशिव चक्रम सेवादारी बच्चों हम है सारा से जन्म कहानी कब देख
तेलुगु भाषा में बोल दीजिए धड़ाधड़ क्या बोलना चाहते हैं। मैं मोहन सदाशिव चक्रधार पिल्ला कदा मरी 84 జన్మల యొక్క జీవన కథ ఇదే ఎలా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అండి क्या बोला चौरासी जन्मों के बारे में तब पता चलेगा जब आपकी आत्मा के 63 जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। अभी भी जितने झुलते जाएंगे उतना पता चलता जाएगा। अगर पाप बढ़ रहे हैं तो पता भी नहीं चलेगा। और कृष्ण को यादव कुल है ना? हाँ, कृष्ण का भी यादव कुल है और शंकर का भी क्या है? हाँ, कृष्ण विपरीत बुद्धि है। कौन सा कृष्ण विपरीत बुद्धि है? संगमयुगी कृष्ण विपरीत बुद्धि है या कलयुगी कृष्ण विपरीत बुद्धि है? है जो संगमयुग में कृष्ण साबित होता है वो संगम है, शरीर का और कृष्ण वाली आत्मा का। कौन सा शरीर? जिस शरीर से परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस शरीर के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा भी पतित से पावन बन जाती है। उस कृष्ण की बात है, इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड है कृष्ण। फिर बोला है नेक्स्ट टू गॉड है प्रजापिता। फिर बोला नेक्स्ट टू गॉड है लक्ष्मी नारायण। फिर किसको बोला? नेक्स्ट टू गॉड है शंकर। तो एक है या चार चार हैं? है तो एक ही, लेकिन समय प्रमाण जो पार्ट चलता है उस पार्ट के आधार पर काम के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। और बाबा आपको से ईयर में प्रत्यक्ष होते हैं बाबा है? आपको से ईयर में प्रत्यक्ष होते हैं बाबा। हमें अपना तो नहीं मालूम, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा का पता है। क्या? क्योंकि प्रजापिता वाली आत्मा के तन में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो प्रजापिता वाली आत्मा को शिव बाप का संग का रंग सबसे जास्ती लगता है। इसलिए प्रजापिता वाली आत्मा संघ का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण पहले पहले अपना पुरुषार्थ पूरा करती है और उसका टाइम मुरलियों में निश्चित किया गया है। क्या टाइम निश्चित किया है? है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम बताया है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष किस आत्मा के लिए लागू होते हैं और 50 वर्ष किन आत्माओं के लिए लागू होते हैं? जरूर प्रजापिता वाली आत्मा के लिए 40 वर्ष का टाइम नुदा हुआ है और बाकी 10 वर्ष का टाइम जो और माला के मणके हैं
उनके लिए नुधा हुआ है। राजाएं पतित से पावन बन जावेंगे तो प्रजा भी पतित से पावन बन जावेंगी। राजा ही पतित से पावन न बना तो उसकी प्रजा कैसे बन जावेगी? प्रजा तीखी पुरुषार्थी होती है या राजा तीखा पुरुषार्थी होता है? राजा तीखा पुरुषार्थी होता है। तो वो 10 वर्ष पूरा होने के बाद फिर प्रजावर्ग की आत्माओं का भी नंबर लगेगा क्या? अगले 10 वर्षों में जो भी सब धर्मों की प्रजाएं हैं 500 करोड़, वो सभी आत्माएं पतित से पावन बन जाएंगी। और बाबा राजा माने कैसे? राजा माने कैसे? यहाँ के संगम युग पर जैसे पुरुषार्थ किया है, जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे वहां राजा बनते हैं। वहां तो पारिवारिक व्यवस्था पक्की होती है या राजाई का अहंकार होता है? वहां पारिवारिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे परिवार में बाप होता है, वो बाप भी कहता है मेरा कारखाना, मेरी दुकान, और बच्चा भी कहता है मेरा कारखाना, मेरी दुकान। ऐसे ही वहां यथा राजा तथा प्रजा उस फखर में रहती है। जो राजाएं होते हैं वो प्रजा की ऐसे पालना करते हैं जैसे अपने पेट का पैदा हुआ बच्चा हो। वो राजाएं सतयुग त्रेता के बुद्ध रूपी पेट को महत्व देते हैं या शरीर के पेट को महत्व देते हैं? ये बुद्ध रूपी पेट से पैदा हुई आत्माएं सतयुग त्रेता की पैदाइश है या संगम की पैदाइश है? संगम में अभी प्रजा तैयार हो रही है। हर आत्मा हर सितारा में, आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। हर आत्मा अभी संगम में जितनी आत्माओं से संपर्क संसर्ग संबंध जोड़ती है वो 84 जन्मों में प्रत्यक्ष होता रहता है। कौन राजा बनेगा? उसका कौन वारिसदार बनेगा? उस राजा की रानी कौन बनेगी 21 जन्मों में? कौन दास दासी बनेंगे? कौन उनके सहयोगी साहूकार बनेंगे? वो सब अभी पता चलेगा। त्रेता में राजा ही का पता नहीं चलेगा? अभी बता दिया ना, वहाँ कौटुंबिक व्यवस्था होती है, पारिवारिक व्यवस्था होती है। परिवार में राजा कौन होता है? बाप ही राजा होता है। बाप अपने बड़े बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को कम और ज्यादा महत्व देता है क्या? हैं? हैं? देता है बाबा। बराबर महत्व देता है ना? तो ऐसे ही वहाँ सतयुग में कोई किसी के ऊपर देह अभिमान की राजाई नहीं करता है। शिव बाबा ने
हमको आधीन बनना और बनाना सिखाया है या स्वाधीन बनना सिखाया है? तो वहाँ सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। ये तो यहाँ समझाने के लिए कहा जाता है कि सतयुग में राजा ही होगी, वहाँ सतयुग में कोई अनुशासनहीन होता है क्या कि सब शासन में रहते हैं? अनुशासनहीन तो कोई वहां होता ही नहीं, तो दूसरों के ऊपर शासन कौन करेगा? वहां शासक ही नहीं होता। हाँ, जैसे ईश्वर है अभी संगम में, हमारे ऊपर स्वेच्छा का राजा है या जबरदस्ती का राजा है? स्वेच्छा का राजा है। मुसलमानों की तरह तलवार उठाई और उतारो जनेऊ, बनो ब्राह्मण से मुसलमान, ऐसे करने वाला नहीं है। वो तो प्यार से अपना बच्चा बनाता है, बच्चों को प्रजा कहा जाता है। तो वहां प्यार की राजाई है, आत्मिक स्थिति की राजाई है, वहां कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती का शासन नहीं करता। आज की दुनिया में जबरदस्ती का शासन है या प्यार का शासन है? जबरदस्ती का शासन है। और तैतीस करोड़ देवताओं को कैसे पूजा होती है? 33 करोड़ देवात्माएं कही जाती हैं, लेकिन वास्तव में 33 करोड़ देवात्माएं होती नहीं हैं, 10 करोड़ ही होती हैं। सतयुग त्रेता में कितने जन्म लेते हैं? 10 करोड़। बाकी जो 23 करोड़ हैं वो तो द्वापर कलयुग में जन्म लेते हैं, लेकिन किस कुल में जन्म लेते हैं? उन्हीं 10 करोड़ देवताओं के कुल में जन्म लेते हैं। तो 33 करोड़ कहा जाता है गायन मात्र है, वो 16 कला संपूर्ण होते नहीं है। 10 करोड़ भी 16 कला संपूर्ण नहीं होते हैं। 10 करोड़ में से कितने 16 कला संपूर्ण होते हैं? हैं? 9 लाख। 9 लाख सिर्फ 16 कला संपूर्ण होते हैं 10 करोड़ में से। हैं? हाँ, बाकी तो सब कम कलाओं वाले नंबर वार। तो जो पूरे 16 कला संपूर्ण होते हैं, जिनकी कलाएं खंडित नहीं होती हैं, उनकी पूजा होती है मंदिर बनाकर, मूर्तियां बनाकर। बाकी तो ऐसे ही भूत प्रेत के रूप में देवी देवताएं पूजे जाते हैं गांव गांव में। आज ये महाकाली आई, आज दुर्गा आई, लोग कहते हैं ना मेरे में दुर्गा आई, महाकाली आई। तो कोई महाकाली और देवताएं होते हैं ऐसे? हाँ बाबा, बोलते नहीं थे पहले नियमों को बताना है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं बताना है? नहीं तो कोर्स का फोर्स नहीं भरता है। युक्ति से बताना है कि आपको मनुष्य से देवता बनना है या नहीं। तो देवताएं ऐसे ऐसे होते हैं, फोर्स मत डालो कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा, वो नहीं। हाँ हाँ, राजा में है? जो राजाएं होती हैं उसका
बड़ा बेटा वो बाप को हत्या करके, कलयुग में नहीं द्वापर युग से ही ये प्रथा है, बड़ा बेटा वो करने पर उसको राजा देते हैं। ये शूटिंग कहाँ? संगम युग में शूटिंग होती है। शिव बाबा का बड़ा बच्चा कौन? शिव बाबा का बड़ा बच्चा कौन? अरे शिव बाबा जब आते हैं तो अकेले आते हैं या तीन बच्चों के साथ आते हैं? तो तीन बच्चों में विश्व की बादशाही कौन से बच्चे को मिलती है? बड़ा बच्चा है कि छोटा बच्चा है कि मझिला है? तो ये परंपरा शिव बाबा के समय से पड़ी हुई है। क्या कि राजाई का वर्षा किसको मिलेगा? सूक्ष्म शूटिंग है ना, उधर जगत में ऐसा क्या कह रहे हैं ये माता जी? ये भाई क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनो। शंकर में शिव सुकुंदन प्रवेश करते हैं। शंकर में शिव जो है उसी में प्रवेश करते हैं जो बड़ा बच्चा है। बच्चा है वो हत्या नहीं कर रहा है ना, है अच्छा नहीं कर रहा है, हत्या नहीं कर रहा है, वो हत्या नहीं कर रहा है क्या? हाँ बड़ा बेटा वो बाप हत्या करके वो गद्दी पर बैठा है। वो तो मुसलमानों में बैठते हैं, सूर्यवंश में कहाँ बैठते हैं? हिंदू राजाओं में भी जो करते हैं वो मुसलमानी सभ्यता से प्रभावित होकर करते हैं। हिंदू राजाओं में ही जो ऐसा करते हैं वो किससे प्रभावित होकर करते हैं? हाँ वो शूटिंग यहाँ अभी हो रही है। अभी जो है कोई बाबर है और कोई हुमायूं का पार्ट बजा रहा है, कोई शहजहां का पार्ट बजा रहा है और कोई शहजहां का बच्चा औरंगजेब का पार्ट बजा रहा है। जो औरंगजेब का पार्ट बजा रहा है वो बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि होता है कि नहीं है? तो बाप को मार दिया या जिंदा रखा? और ऐसे ऐसे अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि बाप को जेल में डाल करके अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। औरंगजेब ने क्या किया है? बाप को मार ही नहीं डाला, जेल में भी डाल दिया। तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं? यहाँ शूटिंग कैसा होगा? अरे सन 98 में जेल में डाला कि नहीं? अरे बाबा तो है? का बात बताना है या पहले ही बताना है? नियमों को पहले ही बताना है, सब कुछ करना है लेकिन युक्ति से करना है। ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि किसी को दुखी कर देना, किसी को कमजोर साबित कर देना। जब हम ज्ञान में आए थे तो कमजोर थे या पावरफुल थे? हमारी हालत क्या थी? तो ऐसे ही जो और नए नए बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे हम पुरानों के मुकाबले कमजोर हैं या पावरफुल हैं? कमजोर हैं। तो जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप तो जानते हैं ना कि ये उतनी कमाई नहीं कर सकेगा। जब तक विनाश होगा तब तक इसकी कमाई तो पूरी नहीं हो पाएगी। फिर भी उसके कल्याण का दृष्टि रखते हैं या कल्याण की दृष्टि रखते हैं? कल्याण की दृष्टि रखना है। सुभावना और सुभावना और शुभ कामना। नियम कड़क कड़क करके मत बताओ, युक्ति से बताओ। और है शिव को जो राम कृष्ण आत्मा को मंदिर में तो काला दिखाते हैं, हनुमान को केसरी रंग से दिखा। हाँ ये लाल रंग किस बात की निशानी है? क्रांति का। हाँ क्रांति की निशानी है। क्रांति तब होती है जब क्रोध आता है। जिसको क्रोध आता है उसका चेहरा कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। तो वो आग लगाने वाला है। क्या हनुमान क्या करता है? आग लगाता है। जब आग लगाता है तो हंसता रहता है,
या क्रोध में आता है? क्रोध में आता है। और बाबा है गीता में श्लोक है, है गीता में है, पूरा अभी पढ़ना है वो, पढ़ो मालूम करने के लिए पढ़ना है। तो धीरज धर मनुआ धीरज धर, यज्ञ के आदि में जब गीता का अर्थ बैठ सुनाते थे तो जो आदि में वो अंत में भी होगा। धीरज धारण करो। ये ड्रामा जू मिसल चलता है या हवाई जहाज की तरह उड़ता है? जू मिसल धीरे धीरे चलता है। और बाबा त्रेसठ जन्म में राम और यमुना के नजदीक रहने वाले सिर्फ बाकी है और बाकी हो सकता है? जो हैं, जितने हैं और जैसे भी हैं, उनकी वर्तमान में कुछ निशानी दिखाई देगी या नहीं देगी? क्या निशानी है बाबा? वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से बाप के साथ होंगे, अपने लौकिक माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे। बाप के साथ सहयोग करेंगे, बाप की सेवा करेंगे, किसी और की सेवा नहीं करेंगे। देखने में आएगा अभी संगम युग में, तन से भी नहीं, मन से भी नहीं, धन से भी नहीं, समय से भी नहीं, संपर्कियों की ताकत से भी नहीं, संबंधियों की ताकत से भी नहीं सेवा करेंगे दूसरों की। सब प्रकार की सेवाएं कहां लगाएंगे? ईश्वर के लिए लगावेंगे। ईश्वर माने बिंदी नहीं है, किसके डायरेक्शन पर? शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे। बाबा ने ये भी बता दिया कैसे बच्चों की निशानी है। क्या निशानी बता दी? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आखिरी पेपर जब होगा तब पता चलेगा कि कौन नष्टो मोहा कितना बना है। लेकिन अभी भी निशानी बता दी है। याद नहीं रहा है? तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, और भी एक निशानी बताई। बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। दो चार दिन भी अगर संपर्क न हो, संबंध न जुटे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है और बाप को भी अच्छा नहीं लगता। और आती है बाबा और बाकी भी हो सकता है? वो आती है सिर्फ और बाकी भी उसमें आते हो सकते। जो यहाँ लगातार सहयोगी होंगे संगम युग में, वो 63 जन्मों में लगातार सहयोगी होंगे या नहीं होंगे? हैं? सहयोगी होंगे, विरोधी ग्रुप में नहीं होंगे। कोई विरोधी बात मुंह से भी नहीं निकलेगी? निकलेगी? नहीं निकलेगी। हाँ, मकान बनाने के लिए 40 साल और 50 साल तक लगता है बोला है। वो हमारा मेरे को अभी 10 साल हो गया और 25 साल बाकी है। 10 साल हो गया और पूर्व जन्म में आप नहीं थे? है सेवा पूरा इसमें मिलता है? सेवा यहाँ मिलता है, वहाँ नहीं मिलता? पुराने जन्म का वो पुराने से जन्म से क्या पुराना है इसमें मिलता है? क्यों नहीं मिलता?
हाँ जी हाँ जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 70 किलोमीटर हाँ 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 जाओ 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 बस नहीं मिलेगी फिर। हाँ जी जाओ जाओ ठीक है। ओम शांति। रामनवमी के दिन राम का जन्म भी बनाते हैं और कल्याण भी बनाते हैं। है? कल्याण भी बनाते हैं। हाँ जन्मदिन भी बनाते हैं। हाँ ऐसा इसलिए है कि शिवरात्रि होती है रात्रि के 12 बजे। क्या रात्रि के 12 कब बजे? नहीं ये संगम युग में कब बजे? रात्रि के घोर अंधकार का टाइम संगम युग में कब होता है? हैं? अरे घोर अंधकार की रात्रि का टाइम किस समय होता है? अले 1936 में 1936 में घोर अंधकार होता है। 1936 में घोर अंधकार होता है तब बाप प्रत्यक्ष होता है जन्म लेता है। हाँ अरे आपने तो नहीं कर दिया। फिर कब होता है? अरे बाप प्रत्यक्ष कब होता है? बच्चा जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है पेट से ऐसे बाप भी ज्ञान गर्भ से प्रत्यक्ष होता है। 76 में सभी आत्माएं दुनियावी आत्माएं ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमार सभी आत्माएं घोर अंधकार में होती है। है? कि कोई आत्मा रोशनी में भी आ जाती है? एक आत्मा रोशनी में आती है। सनत कुमार चार हैं कि एक है? तो वो रोशनी में नहीं आते हैं? वो तो रोशनी में आते हैं लेकिन सारी दुनिया के लिए तो अंधकार नहीं होता। चार तो रोशनी में थे ना। लेकिन ऐसा टाइम भी आता है कि सारी दुनिया तो अंधकार में है ही है। संगम युग में अभी तक लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी भी अंधकार में हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भी सब अंधकार में आ जाएं अनिश्चय बुद्धि होने लगे सबको अनिश्चय होने लगे। नंबर वार पहले पहचान के बाद में ऐसा हो जाता है। अभी पहचाना है किसी ने? कोई कहेगा कि हमें 100% बाप मिल गया कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते हैं? निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है या नहीं आता है? आता है तो अंधकार है या नहीं है? हाँ जब पूरा अनिश्चय होने लगे तो कहेंगे घोर अंधकार की रात्रि महाशिवरात्रि। वो कब होगा? 76 में 77 संपूर्णता वर्ष में 40 वर्ष और जोड़ दो तो वो टाइम जो अष्टदेव हैं उनमें से अव्वल नंबर को छोड़ करके जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको छोड़ करके बाकी सब कहां होंगे? घोर अंधकार की अज्ञान की रात्रि में आ जाते हैं। भले लंबे समय तक नहीं आएंगे लेकिन
थोड़े समय के लिए आएंगे जरूर नंबर वार, तो वो महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि में बाप फिर रामनवमी आती है कि नहीं? तो रामनवमी रात्रि के 12 बजे होती है। हाँ जी, या दोपहर के 12 बजे होती है? है दोपहर के 12 बजे, जब घोर सोझरा हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? घोर सोझरा हो जाता है। सिखों के लिए एक कहावत सुनी होगी हिंदुओं में, खास सिख लोग भी कभी कह देते हैं, लेकिन हिंदू लोग खास कहते हैं सिखों के लिए। क्या कहते हैं? हैं? सुना है कभी? उत्तर भारत में ज्यादा कहते हैं। अभी 12 नहीं बजे हैं सरदार जी, इसका क्या मतलब हुआ? हैं? अरे जोक का भी कोई आधार होगा, कहाँ की बात है? हैं? ये संगमयुग की बात क्यों है? अभी 12 नहीं बजे हैं। माना जब तक खूब सोझरा नहीं होता है, तब तक प्राप्ति करने वाली जो अंतिम आत्मा है, अंतिम धर्म की, अंतिम धर्म का कौन सा धर्म है कलयुग के अंत में? सिख धर्म। सिख धर्म है ना, तो वो लास्ट में पहचानेगा या पहले पहचानेगा या बीच में पहचानेगा? लास्ट में जाके उनकी आंखें खुलती हैं, जब दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब की यादगार है उनके लिए। अभी कोई सिख लोग निकले हैं, मुसलमान भी निकले, क्रिश्चियंस भी ढेर के ढेर निकले, लेकिन सिख नहीं निकले। सन्यासी भी आते जाते रहते हैं, आते जाते हैं ना, लेकिन सिख अभी तक भी नहीं निकले। बता तो दिया बाबा ने, तो बता दिया ना, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। तो पंजाब में कौन सा धर्म चलता है? सिख धर्म। तो पंजाब की धरणी से जो कन्या निकली, 83 की 84 की बात है, वो कौन कन्या थी? हैं? जगदम्बा थी। सारे जगत की अम्बा, सिर्फ भारतवासियों की नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब दिल्ली की गोद में राज्य करते हैं। करते हैं या नहीं? तो वो कहां की कन्या है? खून तो पंजाब का है, भले है दिल्ली में। बाबा, हाँ, शिव बाबा को 2 आंखें हैं। शिव बाबा को 3 आंखें हैं कि 2 आंखें हैं? वार्तालाप में शिव बाबा को 2 ही आंखें हैं, तीसरी आंख नहीं है। कौन सी आंख प्रसिद्ध है शिव बाबा की? तीसरी नेत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, शिव नेत्र कहा जाता है। हैं? ब्रह्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का बारे में है? एक आंख है राम लक्ष्मण दो। हाँ, ये स्थूल आंखें हैं, स्थूल शरीरधारी जो आंखें हैं वो हैं राम और कृष्ण। हाँ 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 हाँ, हाँ। से एक ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मा से मुक्ति जो मुक्ति है, ब्रह्मा से जो मुक्ति, ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति, शंकर द्वारा मुक्ति। तो कौन सी चीज बड़ी है? जीवन मुक्ति बड़ी या मुक्ति बड़ी? लेकिन जीवन मुक्ति कब तक नहीं मिल सकती? जब तक मुक्ति न मिले।
क्या शर्त है जीवन मुक्ति की? पहले मुक्ति में जाना पड़े, फिर जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। ब्रह्मा बोले उधर कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा शरीर छोड़ने वाला ब्रह्मा नहीं, जो हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ते हैं उनको योगी नहीं कहा जाता। योगियों का हार्ट मजबूत होता है या कमजोर होता है? हैं? कमजोर होता है योगियों का हार्ट। भोगियों का हार्ट कमजोर होता है, योगियों का पावरफुल हार्ट होता है। तो वो ब्रह्मा नहीं जिनका हार्ट फेल होकर के शरीर छूट गया, वो ब्रह्मा है जिसमें परमानेंट परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। एक है परमानेंट रथ और एक है हाँ टेम्परेरी रथ। आदि में भी नहीं था 10 साल और अंत में भी अभी नहीं है, बीच में थोड़े समय के लिए था 47 से लेकर 67-68 तक 20-21 साल। तो जो परमानेंट है उसका गायन होगा या जो अल्पकाल के लिए उसका गायन है? परमानेंट के लिए गायन है। ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी इसलिए दिखाते हैं कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे पे दुनिया का कोई रंग चढ़ा हुआ होता है? हैं? नहीं, बच्चे पर कोई दुनिया का रंग नहीं होता, महात्मा होता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा दुनिया का कोई रंग नहीं था, वो तो महात्मा आत्मा है, बच्चा बुद्धि है, इसलिए उसको सफेद वस्त्र दिखाते हैं। उस ब्रह्मा के मुकाबले शंकर को सफेद वस्त्र नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? जितने भी जैन मंदिर बने हुए हैं उनमें जो श्वेतांबर मंदिर होते हैं उनका नाम ही है श्वेत अंबर। श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा। वो ब्रह्मा बाबा के समय की यादगार हैं। और जितने भी दिगंबर मंदिर हैं वो दिगंबर मंदिर काली मूर्तियों की यादगार हैं। काले रंग पे सब रंग दब जाते हैं कि प्रत्यक्ष हो जाते हैं? काले रंग पे कोई दूसरा रंग चढ़ाओ तो प्रत्यक्ष होगा? हैं? सब दब जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सफेद रंग का है, उस पे जो रंग चढ़ाओ तो वो रंग दिखाई देगा। सफेद रंग पर लाल लकीर खींच दो तो लाल भी दिखाई देगी, पीली लकीर खींच दो पीली भी दिखाई देगी। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 7 नारायण ब्रह्मा के ऊपर सवार हो जाते हैं, प्रभावित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? 7 रंग प्रभावित करते हैं। ये 7 नारायण विधर्मी है या सुधर्मी? विधर्मी है। अम्मा का स्वभाव ऐसा है कि बच्चों से भी प्रभावित होती रहती है। बड़ा बच्चा होगा उससे भी प्रभावित हो जाएगी, छोटा बच्चा होगा उससे भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये ब्रह्मा का पार्ट है सब रंगों से प्रभावित हो जाना। लेकिन शंकर का पार्ट ऐसा नहीं है। कैसा? कि जो आए उसको अपने रंग में रंग रहे, वो सबको अपने रंग में रंगेगा लेकिन
उसको कोई भी अपने रंग में नहीं रख सकता। इसलिए ब्रह्मा को कौन सा रंग दिखाते हैं? सफेद रंग दिखाते हैं। दिमाग में अयोमय जगन्नाथम कहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ऐसे कहावत चलता है। बाकी क्या है? क्या बोला है इनको, जरा दोबारा समझा के बताओ। दिमाग में कहावत, आप बोलो क्या बोल रही है माता जी? बाबा भक्ति मार्ग में कहावत चलते है, अयोमय जगन्नाथम घूमते है। जगन्नाथ ये क्या होता है? कोई कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, इसे पूछते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं सो तो बताओ। क्या है ये? तो आपका तेलुगु है ना, आप हमें बताओ ना। है हाँ, अरे बीच में नहीं बोलते, अबे कोई बात चल रही ना उसे पूरी होने दो। तेलुगु का स्लोगन है, तो स्लोगन उसका अर्थ क्या है वो हिंदी में अर्थ बताओ ना। कल्की जगन्नाथम बोलते, कल्की कंफ्यूज होना, जगन्नाथम बोलते कंफ्यूज होना माने जगन्नाथ, वो जगत का नाथ है कि सिर्फ सूर्यवंशियों का नाथ है? सारे जगत का नाथ है ना। सबको खुश करना है या एक को खुश करना है? तो सबको खुश करेगा। शिव बाबा प्यार का सागर है या मार का सागर है? तो सबको खुश करेगा या किसी को ना खुश रखेगा? सबको खुश रखता है। और शंकर के सिर पर सिंह इसलिए दिखाया है कि वो बड़ा बच्चा है दुनिया का। क्या जो बड़ा बच्चा होता है उसको माँ बाप बहुत महत्व देते हैं या कम महत्व देते हैं? बहुत महत्व देते हैं, उसको राजाई मिलनी है ना। तो शिव बाबा आए हैं अपने बच्चे को राजाई देने। वो जानते हैं कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, इस षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला पत्ता कौन है? कौन है? हैं? कृष्णवली आत्मा। तो उसको अपने सरमाथे पर रखते हैं। माँ बाप बच्चों को कहाँ रखते हैं? बहुत प्यारा बच्चा होता तो क्या करते हैं? मारे प्यार के सर के ऊपर रखे ऐसे करके डांस करेंगे। तो ऐसे ही है। गर्भगृह में रहने वाले मांदेली माताएं उंच पर पा सकते हैं? गर्भगृह में रहने वाले मांदेली माताएं उंच पर पा सकते हैं? अरे बाबा ने तो बोला मैं माताओं के लिए आया हुआ हूँ। वो बांदेली है ना बाबा? बांदेली है तो क्या हुआ, जो बांधेले होते हैं वही छूटेले भी बन जाते हैं। सन 48 में जो 747 में 1947 में जो 7-7 तालों के अंदर बंद थी वो छूटेले बन गई कि नहीं बन गई? और छूटेले बन के सारी दुनिया में घूमती फिर रही कि नहीं है? सारी दुनिया के चक्कर काट रही है ना, तो छूटेली है कि बांधेली है? छूटेली है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम बांधे लिए हैं। नहीं, मन तो स्वतंत्र है, मन रूपी आत्मा तो स्वतंत्र है कि मन बंधन में? अगर मन बंधन में है तो बांधे लिए है। शरीर बंधन में होते हुए भी अगर मन स्वतंत्र है, मन को नहीं बांध सकता। क्या चारपाई से हाथ पांव बांध दे, उस टाइम भी मन स्वतंत्र रहे कि बंध जाए? उस टाइम भी अगर मन स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है, शरीर को मुर्दा बनाई दिया, तो उसे स्वतंत्र कहेंगे या बांधेली कहेंगे? स्वतंत्र कहेंगे। मन ही तो मुख्य है, तन थोड़े ही मुख्य है, धन थोड़े ही मुख्य है। बाबा वो भी वन्ना गेट में आ सकते हैं बाबा। फिर वही बात, जो मुख्य बात है सो नहीं पकड़ेंगे। पकड़ लिया।
आ सकते आ सकते आ सकते। अरे भाई ऐसी स्टेज में भी मन उसके बंधन में न हो। अगर मन उसके बंधन में नहीं होगा, मन स्वतंत्र होगा, तो उस समय बच्चा पैदा होगा है? मन जहां लगा हुआ होगा वहां इंद्रियां लगेंगी, इंद्रियों की ताकत जाएगी। मन लगाए हुआ नहीं है। मिसाल दिया, कोई महबूब है अपने महबूबा को प्यार करता है, ऐसे होते हैं कि नहीं? कारखाने जा रहा है, रास्ते में ढेर के ढोर लोग मिलते हैं, उससे अंत में पूछा जाता है कारखाने में, तुमने रास्ते में किसको देखा? कहता मैंने तो अपनी महबूबा को देखा। तो ये मन का कमाल है या आंखों का कमाल है? मन जहां लगा हुआ होगा वहां इंद्रियां भी अपना काम करेंगी। मन साथ नहीं देगा तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकती। तो स्त्री की भी काम इंद्रिय जब उसको पति अपने बंधन में डालता है जबरदस्त, रात के अंधेरे में एकांत में, तो कोई भी काम नहीं कर सकता, किसी की भी इंद्रिय असर नहीं कर सकती, बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। दोनों के सहयोग से बच्चा पैदा होगा कि एक की ताकत से हो जाएगा? दोनों का मन मेल खाएगा, दोनों की इंद्रियां मेल खाएंगी, तब ही बच्चा पैदा हो सकता है। तो ऐसी माता को जो अपने शरीर को मुर्दा बना दे, बाप की याद में आत्मा को उड़ा दे, वो बंधन में है या निर्बंधन है? ऐसी स्टेज धारण करेंगे तो ऊंच पद जरूर पाएंगे। ओम शांति।